हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता और ऑप्टिकल फाइबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू थर्ड वीडियो लेक्चर है ये। और उम्मीद कर रही हूँ कि अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की और ये भी अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। जो सेकंड वाला हमारा एमसीक्यू का वीडियो लेक्चर था उसमें आप लोग सब थे भी और बहुत अच्छे से आपने आंसर्स भी किए और ये वाला भी बहुत अच्छे से करेंगे आई नो। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में यहाँ पे इंसर्ट किए हैं, तो आप जो है उसके लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं कैलकुलेशंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ये और बता देती हूँ, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स वाले हैं 30 सेकेंड्स मिलेंगे और 10 सेकेंड का टाइमर होगा, तो टोटल 40 सेकेंड्स उस क्वेश्चन के लिए मिलेंगे आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टैप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन ऑफ N1 इक्वल टू 1.425 एंड द कट ऑफ एंगल फॉर लाइट एंटरिंग द फाइबर फ्रॉम एयर इज फाउंड टू बी 8.50 डिग्री। द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर इज, सो टाइम स्टार्ट नाउ फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेट करिए क्वेश्चन के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे N1 दिया है, एक एंगल दिया है, आप इसको आइडेंटिफाई करिए कौन सा एंगल दिया है। और न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला आप सभी को पता है, वैल्यूज कैलकुलेट करिए और न्यूमेरिकल अपर्चर बताइए कितना होता है। तो टाइम्स इसको स्टॉप करते हैं और टाइमर स्टार्ट करते हैं। तो ये लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपकी कैलकुलेशंस के लिए। आई नो थोड़ा सा कम टाइम है कैलकुलेशन करने के लिए, बट कैलकुलेटर से करना है। तो यस, राइट आंसर इज, न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.148। और अगर आपको याद हो न्यूमेरिकल अपर्चर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर, तो N2 नहीं दिया है, तो फिर हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन आई मैक्सिमम। तो आई, ये क्वेश्चन में आई गिवन है कि लाइट किस एंगल से एंटर कर रही है, ये दिया है और आई मैक्सिमम की वैल्यू दी है। तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू साइन आई मैक्सिमम और आई मैक्सिमम की जगह 8.5 डिग्री रखेंगे और आंसर तुरंत आ जाएगा 0.148। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल अपर्चर के इसको और एक्सटेंड कर दिया है, तो वैल्यूज चेंज नहीं की है इसमें। अ स्टैप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन N1 इक्वल टू 1.425 एंड द कट ऑफ एंगल फॉर लाइट एंटरिंग ऑफ द फाइबर फ्रॉम एयर इज फाउंड टू बी 8.50 डिग्री एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.148 एंड द इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन द क्लैडिंग ऑफ द फाइबर इज। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन ही है, इसमें 30 सेकेंड का टाइम आपका स्टार्ट होता है। तो N1 सेम है, आई मैक्सिमम सेम है, न्यूमेरिकल अपर्चर अभी लास्ट में हमने कैलकुलेट किया था लास्ट वाले न्यूमेरिकल में या फिलिंग द ब्लैंक्स में। और यहाँ पे आपको N2 क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो फॉर्मूला भी मैंने पिछली स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, तो आपके लिए बहुत आसान है, आपको मैं फॉर्मूला बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज रखते हैं फॉर्मूले में, आपको N2 का आंसर मिल जाएगा। तो यस, टाइम स्टार्ट्स नाउ। मेरे ख्याल से कैलकुलेशंस हो गई होंगी आपकी, अब आंसर आप पोस्ट भी कर रहे होंगे आई नो, और सही भी आ रहे होंगे आंसर। तो यस, इसका आंसर है N2 इक्वल टू 1.147। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही रहेगा जो अभी लास्ट हमने स्लाइड में डिस्कस किया था कि न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर। तो N1 क्वेश्चन में दिया है, न्यूमेरिकल अपर्चर अभी कैलकुलेट किया है, तो N2 आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का एक्सटेंड, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्टैप इंडेक्स फाइबर हैज अ कोर इंडेक्स ऑफ रिफ्रेक्शन N1 इक्वल टू 1.425 एंड द कट ऑफ एंगल फॉर लाइट एंटरिंग ऑफ द फ्रॉम द एयर इज टू बी फाउंड 8.5 डिग्री। न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द फाइबर इज 0.148। इफ द फाइबर इज, क्या क्या फाइबर को अब वाटर में डिप्ड कर दिया है, वाटर से हमने लाइट इंसिडेंट किए है ऑप्टिकल फाइबर में, एंड द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द कट ऑफ एंगल आर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होगा और कट ऑफ एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे दो पार्ट एक साथ ही पूछ ली कि न्यूमेरिकल अपर्चर में क्या चेंज आएगा और कट ऑफ एंगल में क्या चेंज आएगा, यानी कि आई मैक्सिमम में क्या चेंज आएगा कट ऑफ एंगल का मतलब।
तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ आई नो थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं इसमें, अगर आपको पता है कि न्यूमेरिकल अपर्चर एक्चुअल में होता क्या है। और कट ऑफ एंगल आई मैक्सिमा का तो फॉर्मूला सभी को पता है, तो आई मैक्सिमा की एक ऑलरेडी वैल्यू है एयर के अंदर, अब आपको वाटर के अंदर कैलकुलेट करना है। चलिए तो टाइम स्टार्ट करते हैं अब हम अपना, ठीक है। थोड़ा सा मैं वैसे टाइम एक्स्ट्रा दे दे रही हूँ आपको, कई बार कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है, और यहाँ तो दो दो आपको लग रहा है, एक न्यूमेरिकल अपर्चर एक कट ऑफ एंगल कैलकुलेट करना है। चलिए तो आंसर है, टाइम स्टार्ट तो कर ले। चलिए तो आंसर है न्यूमेरिकल अपर्चर इज 0.148 एंड आई मैक्सिमा इज 6.38 डिग्री। ये क्या हुआ कि न्यूमेरिकल अपर्चर तो सेम यही लिखा है और आई मैक्सिमा चेंज हो गया, तो इसका रीजन ये है कि जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो ऑप्टिकल फाइबर की प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है, वो सिर्फ N1 और N2 पे डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे ऑप्टिकल फाइबर वाटर में है, एयर में है, कहाँ पर है, मतलब नहीं है। न्यूमेरिकल अपर्चर किस पे डिपेंड करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लैडिंग पे। तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब हमने इसको वाटर में डिप किया या वाटर में इंसर्ट किया, या लाइट हम वाटर से इंसिडेंट कर रहे हैं, मीडियम जो ले रहे हैं एयर की जगह, लॉन्चिंग जोन जो ले रहे हैं। बट आई मैक्सिमा चेंज हो जाएगा क्योंकि साइन आई मैक्सिमा की क्या होता है, इक्वल टू अंडर रूट N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर अपॉन N0। तो N1 N0 चेंज हो रहा है तो आई मैक्सिमा भी चेंज होगा, और अगर आपको ध्यान हो तो आई साइन आई मैक्सिमा इक्वल टू हम लिख सकते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर अपॉन N0, और N0 की जगह अब यहाँ पे वाटर यूज कर लेंगे, ठीक है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33 वैल्यू रखेंगे, तो आई मैक्सिमा इक्वल टू 6.38 डिग्री आ जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। माइक्रोस्कोपिक मैंडरिंग ऑफ अ फाइबर कोर एक्सिस दैट इज माइक्रो बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट, रफ एजेस ऑफ द फाइबर, लार्ज डायमीटर ऑफ कोर, पोलराइजेशन। कि जो माइक्रो बेंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वो किस वजह से होती हैं, अगर थोड़ा सा आप लॉजिक यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जब जो है मैं ऑप्टिकल फाइबर जनरेट हो रहे होते हैं, बनाए जाते हैं, तो जो है किस वजह से होता है माइक्रो बैंडिंग्स, किस कारण से वो रफनेस आती है। यस आंसर इज एनवायरमेंटल इफेक्ट। रीजन है जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, तो केबल का या इंस्टॉलेशन के दौरान जो है माइक्रो बैंड्स क्रिएट हो जाते हैं, और मेनली एनवायरमेंटल इफेक्ट की वजह से होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हो जाता है एजेस में, तो उसकी वजह से माइक्रो मैंडरिंग क्रिएट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वट डज माइक्रो बेंडिंग लॉस डिपेंड अपॉन? कोर मटीरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायमीटर, मोड एंड वेवलेंथ। टाइम स्टार्ट्स नाउ। थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस हैं, थ्योरी में बहुत ज्यादा ये डिस्कस नहीं किए, क्योंकि तो जब थ्योरी हम पढ़ाते हैं तो वो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, उतना डीप में नहीं जा पाते हैं। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आता है कि क्या क्या आंसर होते हैं। तो राइट आंसर है इसका मोड एंड वेवलेंथ। तो माइक्रो बेंडिंग लॉस ड्यू टू डिफरेंशियल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन, दीज लॉसेस आर मोड्स डिपेंडेंट। द नंबर ऑफ मोड्स इज अ फंक्शन ऑफ इनवर्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, एंड द माइक्रो बेंडिंग लॉस आर वेवलेंथ डिपेंडेंट। तो वेवलेंथ डिपेंडेंट होता है, मोड डिपेंडेंट होता है माइक्रो बेंडिंग लॉस जो है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इन सिंगल मोड फाइबर विच इज मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडियंट इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स, ग्रेडियंट इंडेक्स एंड कोएक्सियल केबल। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस आंसर इज ग्रेडियंट इंडेक्स प्रोफाइल।
या ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इन सिंगल मोड फाइबर ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल इज मोर बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू स्टेप इंडेक्स। दिस इज बिकॉज ग्रेडेड इंडेक्स प्रोफाइल प्रोवाइड डिस्पर्जन मॉडिफाई सिंगल मोड फाइबर, तो उसकी वजह से ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर मोर बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बफर जैकेट आर यूज इन फाइबर बफरिंग। तो फाइबर में जो जैकेट्स होती हैं वो कितने तरीके की होती है, 3, 1, 2 एंड 4 टाइप्स। तो टाइम स्टार्ट नाउ, थोड़ा सा सोचने के लिए इसके लिए टाइम दिया था क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, नहीं समझ में आ रहे होंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे। आंसर है 3 है। द बफर जैकेट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द फाइबर फ्रॉम माइक्रो बेंडिंग लॉसेस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बफर जैकेट यूज इन फाइबर बफरिंग। दे आर टाइट बफर जैकेट, लूज बफर जैकेट एंड फिटेड लूज बफर जैकेट। तो 3 टाइप्स की होती हैं, तीनों नाम मैंने अभी आपको बताए, कौन कौन सी, टाइट बफर जैकेट, लूज बफर, लूज ट्यूब बफर जैकेट एंड फिल्ड लूज ट्यूब बफर जैकेट। तो 3s हैं और इनको याद रखिएगा। यहाँ पे तीनों आपके नाम भी दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, तो आपको ये तीनों नाम भी पता लग गए इस बहाने, ठीक है, क्वेश्चन एमसीक्यूज की वजह से। तो क्वेश्चन इज लूज ट्यूब बफर जैकेट एग्जिबिट अ लो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ अ फाइबर। ऑप्शन आर ट्रू एंड फॉल्स। टाइम स्टार्ट नाउ। और मुझे पता है ये क्वेश्चन छोटे पढ़े हुए नहीं है आप लोगों के, ठीक है, और आप कुछ भी ट्रू और फॉल्स लगा के सेंड कर रहे हैं, ठीक है, किसी को पता कुछ नहीं है इस बारे में। चलिए तो आंसर है ट्रू। और लूज ट्यूब बफरिंग इज अचीव बाय यूजिंग हार्ड स्मूथ फ्लेक्सिबल मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडेड ट्यूब। तो लूज ट्यूब कैसे बफरिंग मिलती है, जब हम हार्ड स्मूथ फ्लेक्सिबल मटेरियल को यूज करते हैं। द बफर ट्यूब इज स्मूथ फ्रॉम इनसाइड, और अंदर से क्या होती है, वो स्मूथ होती है। दस इट एग्जिबिट लो रेजिस्टेंस टू मूवमेंट ऑफ द फाइबर एंड ऑल्सो इट कैन बी इजिली स्ट्रिप्ड फॉर ज्वाइनिंग और फाइबर। अगर हमें फाइबर को ज्वाइन करना है तो उसमें भी ये हेल्प करती है, जो अंदर से लूज बफर होती है, जैकेट होती है, ठीक है, और अंदर से स्मूथ भी होती है जिससे इजिली फाइबर उसमें मूव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी कैटेगरीज एग्जिस्ट इन द केस ऑफ केबल डिजाइन, 2, 3, 1 एंड 4 एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद हम तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ही मिल पाएंगे। और स्टॉप, आंसर इज 3। तो एक्सप्लेनेशन यही है कि केबल डिजाइन इज सेपरेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। दे आर, फर्स्ट कैटेगरी है बफरिंग, सेकेंड है केबल स्ट्रक्चर्ड एंड स्ट्रेंथ, और थर्ड है केबल शीट एंड वाटर बैरियर्स। आफ्टर सक्सेसफुल गोइंग थ्रू दीज टेस्टेस ऑप्टिकल केबल इज डिजाइन। तो 3 कैटेगरीज जो होती हैं केबल डिजाइन में होती हैं। चलिए तो इस एमसीक्यू को हम एंड करते हैं। ये थर्ड वीडियो लेक्चर था, इसके बाद एक वीडियो लेक्चर और आएगा ऑप्टिकल फाइबर का, उसके बाद हम रिलेटिविटी स्टार्ट करेंगे, रिलेटिविटी के एमसीक्यूज, और एवरी वीक 3 वीडियो लेक्चर्स आएंगे एमसीक्यू के अल्टरनेटली, ठीक है। तो शाम के टाइम ही मैंने फिक्स किया है कि शाम को सब लोग फ्री हो जाते हैं, सब लोग हम साथ में एमसीक्यू कर पाते हैं, तो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। प्लीज़ ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के लिए आपका जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एक्सटर्नल में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और इंटरनल में भी, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, बाय।